आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में होगा और पाकिस्तान को चार मैचेस पर एतराज है, जिस पर पाकिस्तान चाह रहा है कि इन चारों मैचेस के वेन्यूज चेंज हों। उसमें से तीन मैचेस ऐसे हैं जिसमें पिच कंडीशन मैटर करती है और एक मैच ऐसा, यानी एक वेन्यू ऐसा है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान टीम वहां पर मैच खेले। वो वेन्यू है अहमदाबाद का, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आम लोगों के समझ में आए कि पाकिस्तान को एक्चुअली वेन्यूज पर एतराज है क्यों। पहले लग रहा था कि शायद पाकिस्तान सफर की वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान बेंगलोर में खेले, चेन्नई में जाए, बेंगलोर में खेले, तो जिगजैग बन रहा है शायद। और अहमदाबाद के अंदर सबको बजाय यही लग रहा था कि पाकिस्तान अहमदाबाद में इसलिए नहीं खेलना चाह रहा कि पाकिस्तान को जो सियासी एक है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुश्किलात वहां पर आ सकती हैं, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वहां पर इतराज था। अगरचे 2005 में पाकिस्तान वहां पर खेल चुका है, तो आरडी पाकिस्तान उस जगह पर पाकिस्तान खेल चुका है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि शायद वहां पर पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच खेलना मुनासिब नहीं होगा, और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतराज उठाया कि अहमदाबाद के अंदर पाक इंडिया मैच नहीं होना चाहिए। मगर इसके ऊपर बातचीत बाद में होगी। खास बात कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, इन तीन टीमों के खिलाफ मैचेस में वेन्यूज की चेंज क्यों चाह रहा है। दरअसल पाकिस्तान के जो चेयरमैन पहले थे नजम शेठी साहब, उन्होंने एक टीम बनाई और टीम में स्ट्रेटेजिस्ट थे, और इस चीज को देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के मैचेस जो डिवीजन हुई है, यानी जो आईसीसी ने मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ शेयर किया है कि यहां जहां पाकिस्तान या दूसरी टीमों के मैचेस होंगे, सब बोर्ड के साथ डिस्कस किया, तो पाकिस्तान के जो मैचेस वेन्यू सामने आए जो सबको मालूम भी है, तो उस कमेटी ने चेयरमैन नजम शेठ साहब को बताया कि पाकिस्तान के कुछ मैचेस ऐसे रखे गए हैं जहां पर पाकिस्तान को डिसएडवांटेज दिया गया है, और साफ तौर पर कहा गया कि ये एक बकायदा एक तरीके से पाकिस्तान के मैचेस वहां रखे गए जहां पर टीम पाकिस्तान को मुश्किलात होगी। खासकर अब कहने को अफगानिस्तान बजाहिर एक कमजोर टीम नजर आती है, मगर चूंकि उस टाइम पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मैच खेलना, जहां पर हो सकता है कि नॉकआउट स्टेज के लिए वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो, लास्ट स्टेज में जाके पाकिस्तान मैच खेल रहा है, और मैच वहां पर रखा गया है जहां पर पिच टर्निंग है। अब उस दिन की पिच कैसी होगी, आप सोच रहे होंगे कि अभी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों इतराज है। एक्चुअली जो कमेटी थी उन्होंने ये देखा था कि इस पिच की कंडीशन कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मैच, अगर पाकिस्तान पिंडी में किसी के साथ भी खेलेगा, सबको मालूम है कि वहां पे हाई स्कोरिंग मैच होगा। सेम जहां पे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलना है एक ही ग्राउंड के अंदर, वो वैसा ही माना जा रहा है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, कि 300 प्लस तक का टारगेट आराम से चेज हो सकता है। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और टीम को यह परेशानी है कि दोनों मैचेस उस ग्राउंड में, यानी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस उस ग्राउंड में रखे गए हैं, जो बैटिंग पैराडाइज विकेट है, वहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स भी माइनस हो जाएंगे, पाकिस्तानी स्पिनर्स भी माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज विकेट है। और हाई स्कोरिंग मैच में ऑफकोर्स वो उस टीम को एडवांटेज होता है जिसके पास अच्छे पिंच हीटर हो, जो कि पाकिस्तान के पास पावर हीटर्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास है। मगर पाकिस्तान अपने तौर पर ही समझ रहा था कि न्यूजीलैंड को हम पकड़ लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमारा उनके खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान इतना भारी नहीं लेता। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वहां पर खेलने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूजीलैंड कहीं पर भी खेलने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहां पर खेलना गलत होगा। ऑस्ट्रेलिया की बजाय वहां पर आप मैच अफगानिस्तान का रखते हैं, और जहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच है वहां पे ऑस्ट्रेलिया पे रखते हैं। इससे फायदा क्या होगा, जहां पे ऑस्ट्रेलिया का मैच है वहां पे पाकिस्तानी जो है अफगानी बॉलर्स को खेल सकेंगे, कि वहां पे स्पिन नहीं होगा बॉल, और जहां पे स्पिन हो रहा है, जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अब शेड्यूल रखा गया है, वहां पर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच करते हैं ताकि पाकिस्तानी स्पिनर्स ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पकड़ सकें, और उनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं नहीं, और हमारे बल्लेबाज कंफर्टेबल फील करें। पाकिस्तान को दोनों तरफ से एज होगा, ये क्रिकेट बोर्ड समझ रहा है। और अभी तक जो खबरें सामने आ रही है, नॉट ऑफिशियल, के आईसीसी और बीसीसीआई ने ये कहा है कि नहीं, जो वेन्यूज हैं इसी पे ही मैचेस होंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या स्टांस लेगा, क्योंकि जो भी कमिटमेंट हुई वो नजम शेठी साहब की हुई है आईसीसी के साथ, और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एशिया कप पे बीसीसीआई भी माना है। इस कमिटमेंट को लेकर नए चेयरमैन पीसीबी कहां तक जाएंगे और उनकी क्या राय है, क्योंकि ज़कार अशरफ साहब जो कहा जा रहा है कि वो चेयरमैन आएंगे, वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले ऑलरेडी बहुत खराब हो चुके हैं और उनको आके बहुत संभाला देना है। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वेन्यूज के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी कहां तक मनवा सकता है, क्योंकि अभी अगर आईसीसी पाकिस्तान को इनकार कर देता है तो फिर देखना कि पाकिस्तान के पास क्या इस पे स्टांस है। ये बात तो सच है, अगर आप बींग पाकिस्तानी ना सोचें, बींग एक न्यूट्रल सोचें, तो आप अगर ये चाह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस ट्रैक पर खेलें जहां पे स्पिन स्पोर्टिव हो, तो फिर डिसएडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। ये मैं आपको आईसीसी का मौकफ या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी बोल सकता है कि फिर आप हमें वहां पे खिला रहे हैं जहां पर स्पिन ट्रैक है, जो पाकिस्तान के एडवांटेज है।
मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि इस तरह पाकिस्तान इतराज उठा रहा है तो फिर दूसरा आईसीसी भी ये मौका ले सकता है कि आप अपने मैचेस वहां पे क्यों खेलना चाहते हैं जहां पर आपको एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यानी आप एक ग्राउंड के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ तो खेल सकते हैं मगर उसी ग्राउंड में आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल सकते। ये एक जस्ट एक मैं लॉजिक के तौर पर बात कर रहा था। अब इस पे ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो वक्त बताएगा, मगर फिलहाल बात यहां तक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी जा रही। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।